दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 13 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए जो अपडेट है कल के धरना प्रदर्शन आंदोलन की है। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग गठन, टीजीटी पीजीटी एलटी गेट के लिए पत्थर गिरजाघर पर कल जो है आंदोलन हुआ, जिसके बारे में यहाँ पर देखो अपडेट आई हुई कि नौकरी के लिए बुलंद की आवाज़, सरकार के उपेक्षित रवैये से छात्रों में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ये चिंता खतरनाक है। युवाओं को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। पदों की संख्या में कोई इजाफा ना भी किया जाए तो भी 6 लाख पदों पर नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए, जिस पर भर्ती का वादा सरकार ने चुनाव के पहले किया था। ये मुद्दे मंगलवार को युवाओं ने युवा मंच के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा और बेमियादी धरना प्रदर्शन की घोषणा की। आप लोग जानते हैं इनकी तरफ से जो है माननीय राज्यपाल जी को भी पत्र भेजा गया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हस्तक्षेप की भी अपील की गई थी। तो प्रतियोगी छात्रों की कई सारी मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 लाख रिक्त पदों को भरा जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर टीजीटी पीजीटी 2022 में 25,000 पद भरे जाएँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का विज्ञापन में जो परीक्षा शामिल होकर के तत्काल भर्ती करवाई जाए, परीक्षा तिथि जारी की जाए, तदर शिक्षकों के रिक्त पदों को भी अध्याचन प्रस्तुत करके नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाए, LTGIC के 12,000 से ज़्यादा पद अधिकत हैं इन पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जाए, तकनीकी संवर्ग में भी बहुत सारी भर्तियां इन भर्तियों को भरा जाए, प्राइमरी टीचर्स में करीब दो साल में 1,39,000 पद खत्म किए गए, इनको बहाल किया जाए, सभी लंबित भर्तियों को आचार संहिता लागू होने के पहले पूरा किया जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं। फिलहाल यहाँ पर कल आंदोलन हुआ, कल ज्ञापन दिया गया प्रदर्शन को और आज भी ये धरना प्रदर्शन चलेगा, अनवरत धरना प्रदर्शन है, आज भी ये धरना प्रदर्शन चलेगा। सभी छात्र अपनी मांगों को लेकर के जरूर पहुँचे, किसी एक की लड़ाई नहीं है। यहाँ देखो अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती में 2 केंद्रों की जो परीक्षा रद्द की गई थी, फिलहाल उसकी नई डेट जारी कर दी गई है। 18 दिसंबर को ये नया आपका एग्जाम करवाया जाएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को पटना में होगी। दोनों केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पहला विद्यालय यहाँ पर है सीतामढ़ी वाला, जहाँ पर 8 तारीख को परीक्षा रद्द हुई थी। दूसरा केंद्र यहाँ पर है सिवान जिले का, ठीक है, जिसमें करीब 84 अभ्यर्थी थे और ये परीक्षा रद्द की गई थी। तो दो परीक्षाएं जो है 2 दिन की वो आपके सामने डेट आ चुकी है। सोशल मीडिया पर पहले जो डेट आई थी 15 दिसंबर आई थी, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर कल रात नोटिस जारी हुई है 18 दिसंबर को परीक्षा है। डिटेल्ड वीडियो हमने कल ही बना दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से CHSL 2023 का जो परिणाम है संशोधित कर दिया गया है। परिणाम जारी करने के 3 महीने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने इसे संशोधित किया है। महीने भर पहले इसकी Tier 2 की परीक्षा कराई जा चुकी है। अब इसके अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी थी, लेकिन संशोधित परिणाम आया तो Tier 1 में 145 अभ्यर्थी और सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के लिए Tier 2 परीक्षा होगी, फिर अंतिम परिणाम जारी होगा। तो कुल मिलाकर के 145 नए अभ्यर्थी चयन हुए हैं इसमें। तो आप लोग जो इसको देख सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की गड़बड़ी, मतलब जल्दबाजी में गड़बड़ी हुई है, तो जो भी अभ्यर्थी नए सेलेक्ट हुए हैं एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो है नाम आया तो नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नई शिक्षक भर्ती जारी हो चुकी है, आवेदन शुरू हो चुकी है। लिखा है कि 342 नए शिक्षक हैं। शिक्षक भर्ती को मंगलवार से प्रक्रिया शुरू हुआ, 2 जनवरी तक अंतिम तिथि है। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 342 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 विषयों में 147 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 39 विषयों में 130 पद हैं और प्रोफेसर के 33 विषयों में 65 पद हैं।
इस भर्ती में एससी एसटी और ओबीसी के 82 पदों को शामिल किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने की आखिरी डेट 2 जनवरी तय की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2021 में निकाली गई शिक्षक भर्ती के तहत अब तक तकरीबन 320 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। नए विज्ञापन के तहत खाली पदों पर और नए सृजित पदों पर यह भर्ती शुरू की गई है। तो नया विज्ञापन जारी हुआ है, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो शाम तक बना देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ देखो अपडेट कर, राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 751 पद रिक्त होगी भर्ती। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 751 पद रिक्त हैं। पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशक ने प्राचार्यों से प्रवक्ता के विषय में रिक्त पदों का विवरण मांगा था, वैकेंसी पोर्टल पर भरने को कहा था। विवरण संकलित होने के बाद भर्ती के लिए अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती की जाएगी। प्रदेश भर में 170 राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें प्रवक्ता के 3160 पद सृजित हैं, जिसमें से 751 पद खाली हैं। रिक्त 384 पदों पर भर्ती का अधियाचन शासन को भेज दिया गया है। अब 367 पद और रिक्त हो गए हैं, जिनका अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी महीने के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग से ये भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसको GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं या GDC प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है 2020 या 21 में भर्तियां आई थी इसकी, और 128 पद मात्र आए थे उस समय, और इस बार ये जो है भर्ती करीब 751 पदों पर आएगी, जो सबसे बड़ी भर्ती अब तक की होगी। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग से इसका विज्ञापन जारी होगा। देखो यहाँ पर अपडेट की, यूपी बोर्ड में अंकपत्र संशोधन व्यवस्था होगी ऑनलाइन। यूपी बोर्ड ने अंकपत्र प्रमाण पत्रों में त्रुटि संशोधन के प्रकरण निस्तारित करने की दिशा में नई और बड़ी पहल की है। तकनीक के दौर में ऑफलाइन व्यवस्था से आगे निकल करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे इसी सप्ताह समारोह आयोजित करके क्रियाशील किया जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ में हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी। ईमेल के माध्यम से त्रुटि संबंधी समस्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को बताई जा सकेगी। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। तो हाईस्कूल इंटर की जो भी त्रुटियाँ होंगी, उसके लिए अब आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, और इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यूपी बोर्ड, CISC बोर्ड के बाद अब CBSE बोर्ड की परीक्षा डेट शीट भी जारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, बताया गया 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। CBSE ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं पर 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर के 13 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच रखा गया है। तो डिटेल्ड कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में होंगी भर्तियाँ। दुनिया भर में सुस्ती के बीच अगले 3 महीनों में भारत में सर्वाधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है। 37% कंपनियों ने कहा है कि वे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी, जो 2023 की तुलना में 5% है। मैन पावर ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 3,100 कंपनियों पर किए गए एक सर्वे में कहा कि भारत में कर्मचारियों की बढ़ती की संभावना 41 देशों में सबसे अधिक है। तो प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ जो है इंडिया में की जाएंगी। यहाँ सर्वे में खुलासा हुआ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी न्यूज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ना चाहें तो व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।